अपनी अपनी सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जी हाँ, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। इसलिए जिंदगी की हर सुबह का आगाज आशा की एक किरण के साथ करना चाहिए। हेलो इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूँ आपके साथ अमृता चौरसिया। प्रतिबिंब, अब हम करेंगे भारतीय सिनेमा को सलाम, क्योंकि इस बार 75वें कैन फिल्म फेस्टिवल में भारत का डंका बजेगा, जिसकी जो गूंज है वो पूरी दुनिया में गूंजेगी। भारत को कैन फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित देश यानी कि कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है। ये पहली बार है जब किसी देश को कैन में सम्मानित देश बनाया गया है, और इसके साथ ही ये पहला अवसर भी है जब कैन फिल्म महोत्सव में सरकार भारत की सांस्कृतिक धरोहर, भाषाई विविधता और सिनेमा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने वाली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कैन फिल्म फेस्टिवल में नेतृत्व करने वाले किसी भी देश के पहले मंत्री भी होंगे। जी हाँ, और इसके साथ ही विश्व भर की सिनेमा हस्तियों के बीच भारतीय सिनेमा जगत की हस्तियां देश का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। कैन में भारतीय फिल्म रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट के अलावा 5 भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन होगा। ये एक संयोग है जब भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो उसी समय कान फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल 17 मई से 25 मई तक आयोजित किया जा रहा है। क्या है ये फेस्टिवल, इससे जुड़ी एक खबर पहले देख लेते हैं। भारत को इस वर्ष कान फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक देश सम्मान मार्च ड्यू फिल्म से नवाजा गया है। ये पहली बार है जब किसी देश को ये सम्मान दिया जा रहा है, और ये सम्मान ऐसे समय में दिया जा रहा है जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत की तरह फ्रांस भी इस साल राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस वर्ष 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में देश की विविधता और समृद्धता को दर्शाने के लिए देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश भर के सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है, जिसकी अगुवाई देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। कान फिल्म समारोह में भारत द्वारा प्रस्तावित सूची में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, संगीतकार A.R. रहमान, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नयन तारा, पूजा हेगड़े, अभिनेता R. माधवन, संगीतकार रिकी केज, तमन्ना भाटिया, वाणी त्रिपाठी और लोक संगीतकार मामे खान शामिल हैं। कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान कुल 6 भारतीय भाषाओं के फिल्मों के माध्यम से दुनिया भारतीय सिनेमा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति से रूबरू भी होगी। इन्हीं में से एक फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट भी है। ये फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नाम्बी नारायण के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अभिनेता R. माधवन मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में इस फिल्म का कान समारोह में शामिल होना उनके लिए बेहद गर्व और खुशी की बात है। और हम बता दें कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और जाने माने गीतकार प्रसून जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रसून जी, कितना महत्वपूर्ण है एक देश को सिनेमा को लेकर इतना बड़ा सम्मान किसी फिल्म फेस्टिवल में मिलना? देखिए, सम्मान जब भी किसी भी रूप में आए अच्छा ही लगता है। सही मायने सम्मान के समझने चाहिए। फिल्म जो है उसका एक बहुत बड़ा उत्सव कांस फिल्म फेस्टिवल है, और जहां पर फिल्मों को सराहा ही नहीं जाता, फिल्मों को मार्केट भी वहां प्रदान की जाती है। तो एक बहुत बड़ा एक मंच है ये, जिससे भारत अपनी बात विश्व तक पहुंचा सकता है, और विश्व भारत की तरफ देख रहा है और विश्व भारत को वो मंच देना चाहता है। अगर आप देखें तो एक जमाना था कि भारत की बहुत ही कम फिल्में कांस में सराही जाती थी, और
ऐसा नहीं था कि भारत को, इनफैक्ट ये माना जाता था कि भारत में तो एक मसाला फिल्में बनती है, बॉलीवुड एक अपना एक अलग संसार उसको समझा जाता था, जिसे कहते हैं कि ऑल पोवेसिव सेल्फ यू नो कंटेंट, एक अपना अलग है, एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। पर लेकिन अब लगातार विश्व जो है और क्षेत्रों की तरह भारत की तरफ देख रहा है, और जब कंटेंट की बात आ रही है और जब फिल्मों की या और विधाएं भी हैं, आज तो बहुत विधाएं आपके सामने हैं, डिजिटल माध्यम जिस तरह से उनका वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भारत को एक सेंटर स्टेज देना एक महत्वपूर्ण बात है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत उससे क्या हासिल करता है जी। हम उससे एक्सपोजर तो उम्मीद करते ही हैं कि हम उससे एक्सपोजर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उससे क्या करेंगे, क्योंकि भारत कभी अंधानुकरण करने की के पक्ष में नहीं रहता है। हम कभी भी नहीं, हमें अपनी पहचान और अपनी आइडेंटिटी जो है वो बहुत प्यारी है जी। और आज वक्त ये आया है कि विश्व जो हमारी विविधताएं हैं, जो भारतीयता है, उसको परिभाषित वहां बैठकर न करे, वो हमारी फिल्मों से, हमारे सॉफ्ट पावर कल्चर से देखकर समझे कि अच्छा ये है भारत जी। बिल्कुल, इसलिए हमारी फिल्मों का शोकेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमें उनसे क्या चाहिए, हमें उनसे तकनीकी सीखनी चाहिए जी। जी, फिल्म की टेक्निक में वो लोग बहुत आगे हैं, काम लगातार कर रहे हैं जी। लेकिन जो कंटेंट है, जब तक देखिए किसान का बच्चा पिक्चर नहीं बनाएगा तो किसान का यथार्थ सामने नहीं आए। जाहिर तौर इसका मतलब यह है कि हमें फिल्मों पर जो एकाधिकार हो गया कुछ ही लोगों का, वही फिल्में बनाते रहते हैं आपस में, उससे खुलकर फिल्म मेकिंग हमारे देश के बच्चे बच्चे को प्रभावित करे और वो उससे इंस्पायर हो और ऐसी फिल्में निकले जो ऑथेंटिक स्टोरीज हो, प्रामाणिक कहानियां हो, वो उसी के जाके पैर न फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो पीर पराई की जगह अपनी पीर और अपने हर्ष और अपने उल्लास, उनकी फिल्में सामने आए और वो फिल्में विश्व के सामने आए, ऐसा प्रयास मैं चाहता हूं कि कांस में हम लोग करें। साथ में जा रहे हैं हम लोग, मैं हैं, शेखर जी हैं, बहुत से भी अन्य जो है व्यक्ति हैं जो बहुत निष्णात हैं अपने कार्य में, तो हम जाकर वहां पर भारत का जो एक जो प्रतिभा, जिसे आप स्टार्टअप्स में भी देखते हैं आज कि यंगस्टर्स जो कर रहे हैं, वही फिल्मों में भी देखना चाहिए, न सिर्फ कमर्शियली पर कल्चरली जी। हमारे पास जो सांस्कृतिक धरोहर है और हमारे, जिसे मैं कहता हूं कल्चरल वेल्थ जो है, वो कल्चरल वेल्थ जो है, उस वेल्थ को भी पता होना चाहिए लोगों के पास जी, कि भारत सिर्फ आर्थिक संपन्नता की बात नहीं करता, ये सांस्कृतिक संपन्नता की बात करता है, और वो हमारी कहानियों में, हमारी फिल्मों में जो है परिलक्षित होती है। बिल्कुल प्रसून जी, जैसा कि आपने बताया आप भी जा रहे हैं, पूरा एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, मंत्री अनुराग ठाकुर खुद जा रहे हैं वहाँ पर आप लोगों के साथ। इस बार का जो कैन फिल्म फेस्टिवल है वो कितना अलग है पिछले सारे फिल्म फेस्टिवल से, और भारत को जिस तरीके से दिखाया, दर्शाया या प्रदर्शित किया जाएगा, वो भारतीय सिनेमा के विस्तार के लिए और कितनी जो जगह है वो बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? देखिए, अलग तो इसलिए है कि विश्व का रुख भारत के लिए अलग है जी। ये तो सब चीजें प्रासंगिक ही होती, जब विश्व जो है भारत को एक नई दृष्टि से देख रहा है, एक सम्मान है भारत की हर काम में। आज वो आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाए तो वो सम्मान जो है, उस वजह से भारत को जो मौका दिया जाता है या स्टेज दिया जाता है, ये माना जाता है कि भारत के पास एक अपना कुछ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग दृष्टिकोण है, और भारत एक बहुत बड़ा, देखिए मार्केट वर्ड में बार बार नहीं कला में कहना चाहता, लेकिन आप उससे दरकिनार नहीं कर सकते, बहुत बड़ा मार्केट भी है हमारे यहाँ, जो कंज्यूमर है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं लगातार यही प्रयास करता रहता हूँ अपनी तरह से कि भारत को सिर्फ एक बाजार की तरह विश्व न देखे, भारत को एक टैलेंट का सेंटर, जो कि हमारे पास में हम रहे हैं, हमारा अगर आप वैभवशाली भारत का गौरवशाली इतिहास देखें तो हम सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि हम वैचारिक धरती रहे हैं, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं, जहां से आइडियाज फॉर्म होते हैं जी, जिनके विचारों को लेकर आप विश्व में जाकर क्रांति ला सकते हैं, और वो मुझे लगता है
कि वो समय आया है कि विश्व ने भारत को वो प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं वो विश्व के सामने रखें। और मुझे तो उन आइडियाज़ पे बहुत विश्वास है कि वो स्वतः स्फूर्त हैं, वो स्वयं ही जाकर सबको प्रभावित करेंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे और भारत में कई रोज़गार की व्यवस्थाएं। देखिए, एक चीज़ जब शुरू होती है तो उससे चेन रिएक्शन होती है। कोई एक व्यक्ति एक अच्छी फिल्म बनाता है तो उससे 10 लोग उससे जुड़ते हैं और वो उसका अगर जाकर के विश्व में उसकी ख्याति बढ़ जाती है तो और उसकी डिमांड आती है और कहते हैं कि भारत से और इस तरह की फिल्में हम देखना चाहते हैं, भारत के सामने जानना चाहते हैं इस भारत को कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जिस देश के प्रति लोगों की उत्सुकता बढ़ती है, जिस देश के प्रति लोगों का जानने की का इच्छा बढ़ती है, उस देश की के विचार भी, उस देश की संस्कृति भी और लोगों को प्रभावित करती है और कनेक्ट करती है। इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाकर वो देश की जो जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या बिलीफ, सेल्फ बिलीफ जो है वो उससे बढ़ता है। और तो सबसे बड़ी बात यह है प्रसून जी, ये पूरी तरह एक सेल्फ बिलीफ की बात भी है जी। प्रसून जी, ये कंट्री ऑफ ऑनर मिलने के साथ साथ एक विशेषता ये भी है कि हमारी 6 फिल्में वहाँ पर प्रदर्शन के लिए जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि हम लोग विविधता में एकता की बात करते हैं और विविधता में एकता का परिचायक हैं 6 फिल्में, क्योंकि केवल हिंदी में नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्में भी वहाँ पर प्रदर्शन के लिए जा रही हैं, तो क्या एक सिनेमा भारतीय सिनेमा उसे परिलक्षित करने का प्रयास भी है? जी बिल्कुल। देखिए, विविधताओं की जब बातें, डाइवर्सिटी बहुत बड़ा शब्द है आज विश्व में, हर जगह आप सुनेंगे कि डाइवर्सिटी विविधता बहुत ज़्यादा। और लेकिन जब हम भारत का प्रश्न आता है तो हम देखते हैं कि विविधताओं की तो हमें आदत है, मतलब विविधताओं के साथ तो हम जीते ही हैं। वो बोली बदलने की बात हो, संस्कृति बदलने की बात हो, पहनावा बदलने की बात हो, तो हम बड़े सहज हैं डाइवर्सिटी के साथ, विविधताओं के साथ। और हमारी फिल्मों में वही दिखाई देता है कि एक ही देश है जहां पर एक बहुत ही हटकर कोई विषय उस पर फिल्म बनी है, उसी देश में उसी समय एक और फिल्म बनती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा, ये भी इसी समय इसी देश में बन रही है। ये हमारे देश की जो विविधता है, इसे देखकर लोग हतप्रभ रह जाते हैं कि अच्छा, आपके देश में दो इस तरह की विचारधाराएं एक ही साथ चल रही हैं, दो इसी तरह के पहनावे एक साथ चल रहे हैं, दो इस तरह के कस्टम और ट्रेडिशन एक साथ ही जीवित हैं। जी हाँ, भारत जो है जीती जागती जो है सभ्यता है, वो उसमें हर चीज आपको एक ही समय जीती हुई दिखाई देगी, क्योंकि विविधता है। और हमारे अंदर जो जिसे कहते हैं अंगीकार कर लेने की, उसको एक्सेप्ट करने की कल्चर्स को, जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है जी, कि हम विविधताएं पसंद करते हैं। हम एक ऐसा वर्ल्ड नहीं चाहते हैं जिसमें सब कुछ एक जैसा दिखाई दे, इसलिए हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे सिनेमा में आपको वो लगातार दिखाई देगा, आपको किसी और देश में ऐसा नहीं दिखाई देगा कि एक साथ इतनी विविधता उसके सिनेमा में मिले जी। बिल्कुल। और इसे भी हम लोग वहां शोकेस करेंगे, इससे विश्व को ये भी पता लगे कि भारत जो है वो अपने आप में एक कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है, भारत है, इसके ऊपर हमको नाज ऐसे ही नहीं है। बिल्कुल, एक उत्कृष्ट देश और प्रतिबिंब, जैसे कि प्रसून जी भी बता रहे थे कि पूरी दुनिया में किसी कोने में इतनी विविधता देखने को नहीं मिलती जो सिर्फ भारत में ही समाहित है, और ये पूरे विश्व में एक अनोखी बात भी है अपने आप में। प्रसून जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रसून जी से और हमारे तमाम दर्शक भी उनसे कोई गीत सुनना चाह रहे थे, लेकिन समय हमें जो है इजाजत नहीं दे रहा है। हम आज्ञा ले रहे हैं फिलहाल आपसे प्रसून जी, लेकिन 17 तारीख को सम्मानित होने के पश्चात आपसे फिर भेंट होगी इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। फिलहाल हम हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रतिबिंब
इस वायदे के साथ कि प्रसून जोशी जी दोबारा आएंगे और उनके गीत भी हम सुनेंगे इसी कार्यक्रम में। लेकिन अब चूंकि वक्त हो चला है हेलो इंडिया में अपने दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन उसके साथ ही साथ दर्शकों को एक बार फिर से ये जानकारी जो हम हर रोज देते हैं आज भी दे दें कि संसद टीवी के सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप सारे कार्यक्रम देख सकते हैं, अपना पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब फेसबुक पर देख सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही संसद टीवी के कू ट्विटर हैंडल और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। जी हाँ, इसी के साथ अपने चेहरे को मुस्कुराहट की वजह दीजिए, आपका पूरा दिन खुशियों से भरा रहे, अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।